सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा। जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखिए उनको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आना है। मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है, इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही न मिले इस स्थिति होगी। और जहां तक असंवैधानिक होने का सवाल है, वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं, वो भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 14 में दो अपवाद रखे हुए हैं। एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का अपवाद है और दूसरा कानून के उद्देश्यों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए। तो वो आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं करता है। जो वो बोल रहे हैं वो इतना समझा दे जनता को। राजनीति के अंदर आपके निर्णय को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे मेरी सरकार का फैसला ऐसी है, इसके बारे में मेरी पार्टी के तर्क, मेरी गवर्नमेंट के तर्क और क्यों ये देश के हित में है मुझे समझाना पड़ता है। जरा राहुल गांधी जी आपके इसी कमरे में आकर देश को समझा दे के क्यों विरोध में। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे? और अगर वो मुसलमान, और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? If
you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.